अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एहसन मलिक। नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो भाई सुन लिया है अभी। तो दोस्तों आज मैं आपको कवे भाई, ये देखो कवा भाई भी बीच पे आया हुआ है, ये इधर घूमने आया हुआ है, इधर बैठा हुआ है। तो आज मैं आपको जो है मंजर बीच की सैर करवाने वाला हूँ, दुबई मंजर बीच, जो शारजा और दुबई के बॉर्डर पे वाक़ है। बिल्कुल ये देखें, ये पीछे जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं ये शारजा का कॉर्निश है। इधर जो है दूसरी तरफ जाओगे तो वो शारजा बीच कहलाएगा, और जिस तरफ मैं आया हुआ हूँ उसको दुबई बीच कहते हैं, अल मंज़र। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, आप मेरे साथ हैं, मेरी वीडियो को पूरा देखें और ये कवे भाई को भी देखें। चलें जी शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ना नीचे, ये वॉकिंग पैथ है। इधर आके लोग जो है वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, फिर जब चलो तो इतना मज़ा आता है। ये फॉर्म का बनाया हुआ है इन्होंने और ये बहुत ही मज़े का, ये पूरे बीच पे जो है ना पूरे बीच पे लगा हुआ है। ये देखें भाई साहब भागते हुए जा रहे हैं, और ये जो है पीछे साइकिलिंग ट्रैक है, ये वाला सर इधर साइकिलिंग भी कर सकते हैं आप आगे। और ये जो है इसकी दूसरी साइड है जिसको कॉर्निश कहते हैं। अभी जो है दोपहर का टाइम है और इस वक्त जो है लोग काफ़ी नहाने आते हैं, लेकिन अभी मौसम कुछ ठंडा है ना यार, सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा और लोग अभी कम ही आते हैं सर्दियों में। देखें मैं भी नहीं नहा रहा क्योंकि मुझे तो भाई बहुत सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, मुझसे तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। बाकी ये पीछे देखें जी कॉर्निश जो है तो बहुत कर सकते हैं आप आके। ये भी देखें इधर कैफेटेरिया भी लगा हुआ है, और इधर आके चाय शाय भी पिए, समोसे जो भी खाना है खा सकते हैं। जी नई पार्क भी बना रहे हैं, ये तो मैंने अभी देखा है, पहले तो नहीं था। ये देखें अभी इन्होंने पौधे वगैरह लगाए हैं और नई पार्क बना रहे हैं। कुछ दिन बाद इधर भी रौनक आ जाएगी, फूल शुरू उगेंगे। यहाँ पे जेट स्काई का ऑप्शन भी मौजूद है, आप इधर आके ये भी रेंट पे ले सकते हैं। इसका 90 दरम है पर 30 मिनट्स। यहाँ पे सिर्फ बीच नहीं है, यहाँ पे फैमिली पार्क भी मौजूद है जिसको मंजर पार्क कहते हैं, और ये बहुत सस्ती इंटरटेनमेंट है। इसमें जो है एंट्री फीस तकरीबन 5 दरम है और बहुत ही अच्छी इन्जॉयमेंट है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो इसमें आप बारबेक्यू पार्टी भी कर सकते हैं, इसके अंदर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। मंजर बीच दुबई और शारजा के बॉर्डर पे वाकिया है, इसका आधा हिस्सा दुबई में लगता है और आधा हिस्सा जो है शारजा के बॉर्डर पर लगता है। और इसको आप बाय बस भी विज़िट कर सकते हैं और अपनी ड्राइव के थ्रू भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप दुबई के किसी भी हिस्से से मेट्रो से आ रहे हैं तो उधर से आप यूनियन मेट्रो स्टेशन पे उतर के उधर से टैक्सी भी ले सकते हैं, जो मंजर तक पहुंचते तकरीबन 20 से 25 दिरहम लगेंगे। अगर आप एक दफ़ा इस बीच पे पहुंच जाते हैं तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग हैप्पीनेस लिखा हुआ है जी बिल्कुल साहिल समंदर पे, तो आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यूएई की कोई भी फेमस प्लेस देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर अपलोड करूंगा वो प्लेस। चलें जी मिलते हैं।
नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।